इसकी गलती है। मेरे पानी पीने का प्याला लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जवाब दे भोरो। उस्ताद, मैंने तो जबुलानी को कहा था। मैंने मुन्नू को कहा था उस्ताद। माफ कर दीजिए उस्ताद। माफी तो बुझ दिल देते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती है, और फिर ये तो बच्चा है। बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आना, उन्हें इस तरीके की सजा देना, उनके आत्मविश्वास, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उन्हें कमजोर बनाता है। आपको पानी ही पीना है ना? तो ये लीजिए, आप इससे पानी पी सकते हैं। लीजिए। दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर दिलावर को अच्छा नहीं लगा तो बहुत बुरा होगा। शक्ल से तो भिखारी लगता है, जीते जी मर जाएगा यह दिलावर, लेकिन तेरे इस कटोरे से पानी नहीं पिएगा। चलो। राम जी भला करे। क्या किया था उन्होंने? वो मुझे मारना चाहता था। और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? वो लोग केवल चार थे और तुम लोग इतने सारे। उन लोगों को पाठ पढ़ाने की जगह पीठ उठाकर भागे। एक दिन मैं देर से आई तो क्या कोई भी अजनबी आदमी तुम्हें डरा धमका देगा? जिपरी वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसके चेहरे ने मुझे छोड़ दिया तो उसने अपने चेहरे को गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो बहुत डरावना है, उसका एक आदमी धुआं करता है, और पता है वो मुझे गन्ने से मारने वाला था। वो आदमी के वेश में राक्षस है राक्षस। इतना भी डरावना नहीं है, उसके हाथ में एक मोरचाल भी था ना।
हाँ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो देखो। इसे सिखाना होगा कि बच्चों से कैसे बर्ताव करते हैं। नहीं जबरी, वो बहुत खतरनाक है। जबरी वो देखो, वो लोग द्वारका में की तरफ जा रहे हैं। मालूम होता है कोई यहां रहता है। खैर, उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पर ये जगह रहने के लिए बहुत ही मुनासिब है। बड़ी भी है और हवादार भी। उस्ताद, आपका हुक्म हो तो हम इससे बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। नहीं, यही जगह माकूल है। जी उस्ताद। क्या लोग द्वारका में रहने की योजना बना रहे, और क्या इन्हें साई का सामान नहीं दिखाई दे रहा? उसे डर कर भाग सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिब्री रुक, तू जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है उन्हें वहां से भगाना। जिब्री, हमें बड़े लोगों को खबर देनी होगी। हमें बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। बात तो सही कह रहे हो तुम। चलो जल्दी से जाके सबको बताते हैं। से ये जगह दिलावर की हुई। अरे, ऐसे कैसे उनकी जगह हो जाएगी? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो द्वारका माई साई की है। वही तो, बहुत बदतमीज है वो लोग। और तो और, उन्होंने बबलू की पिटाई करने की कोशिश की। हम सबको मिलकर उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो वो सब साई का अपमान भी कर देंगे। हाँ हाँ, द्वारका माई में साई के अलावा और कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता। चलो। चांद भाई, ओ चांद भाई, कौन? चांद भाई, मैं सखाराम। अरे सखाराम, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? नहीं चांद भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चांद भाई, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। जब लौटा तब पता चला जैसे आपकी बिजली खो गई थी वैसे ही मेरा सरजा खो गया है। आप तो जानते हैं सरजा मेरे परिवार के सदस्य की तरह था। जैसे आपके लिए बिजली, उसी तरह मेरे लिए सरजा। अपने घर वालों से पूछा? क्या कहा उन्होंने? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं चांद भाई, अगर किसी को चुराना होता तो दोनों बैल चुराता। जबकि उसका जोड़ीदार बैल है ना, वही खूंटी पर बंधा है।
जबकि वो हट्टा कट्टा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि वो कहीं खो गया है, न जाने वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसने खाया पिया भी होगा कि नहीं। आप ही बताइए चांद भाई, मैं उसे कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं? अब तो तुम्हारे सरजा को सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, बाबा। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए जी? बिजली पानी पियोगे? हाँ बाबा। पियो ना। मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? अज्ञान तिमिर से घिरा है मुझे, ज्योति शुभम। बिजली 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 बिजली। आपसे बिछड़ने का दुख तो बहुत है बाबा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक ना एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती ना बाबा, तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा। आज भी रोजाना बाबा के इस चरणों की धूल का सजदा करता हूं। सखाराम, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने मेरे बाबा को याद ना किया। ये परवरदिगार का करम था कि उस दिन मेरी बाबा से मुलाकात हुई। लेकिन उस दिन के बाद से आप बाबा से कभी मिले नहीं और उनसे मिलने भी नहीं गए। नहीं, कभी संयोग ही नहीं बना। ऊपर से कमबख्त ये नजरें भी कमजोर हो गई हैं, कहीं अकेले आ जा ना सका कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बस यूं समझ लो, जिस दिन वक्त आएगा, बाबा का बुलावा आएगा, हो जाएंगे उनके भी दीदार। लेकिन अब वो बाबा है कहाँ? मेरा दिल कहता है बाबा अभी शिरडी में ही होंगे। तो क्या आप मुझे बाबा के पास ले चलेंगे? आप जरूर जरूर है मेरे परवरदिगार, मेरा लाख लाख शुक्र है। परसों से जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आई है। सकाराम, शायद तुम्हारे जरिए बाबा से मुलाकात होगी। अब यकीनन बाबा के मार्फत ही तुम्हें तुम्हारा सरजा मिलेगा। मैं आ रहा हूं बाबा, मैं आ रहा हूं। उस्ताद, उस्ताद, हम यहां रहने तो लगे हैं लेकिन जो यहां पहले से रहता है उसका क्या? अगर वो अक्लमंद हुआ तो हमें देखने के बाद यहां दाखिल होने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने साई का सामान एक कोने में रख दिया है। कौन हो तुम और किससे पूछकर तुमने साई का सामान हटा दिया? दिलावर किसी के इजाजत का मोहताज नहीं है। ये जगह अच्छी लगी तो ले ली,
ना मैं किसी साई को जानता हूं और ना मुझे उसकी फिक्र है। तुम साई को नहीं जानते? सुना, इसे तो साई के बारे में पता ही नहीं है। पता होता तो ऐसे नहीं कहता। ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। सिरडी में आए हो और साई को नहीं जानते? हो कौन तुम? दिलावर अली। दिलावर अली हूं मैं और आज से ये जगह मेरी है। और रही बात तुम्हारे उस साई की, तो वो यहां इस कोने में रह सकता है। अगर मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तुम लोग सब खड़े खड़े यहां अपना वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। इस जगह से तुम जाओगे, हम नहीं। गुस्ताख, दिलावर को कोई ललकारता नहीं, क्योंकि दिलावर किसी से हारता नहीं। अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आया तो कोई भी अपने पैरों से सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगा। जा यहां से। मुन्ना, तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हमसे लड़ोगे तो हम सब बड़ी आसानी से तुम्हें हरा देंगे। मुझे मत मारिए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो से। क्यों, तरस आ रहा है इस पे? हम तुम जैसे पत्थर वाले इंसान नहीं है। रुको, मत मारो उसे। अगर तुम चाहते हो, तुम सब चाहते हो कि दिलावर इसे न मारे, तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना दिलावर का कहर इस पे तब तक टूटता रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। और अगर ये मर गया तो फिर दिलावर इसे मारना शुरू करेगा। अरे छोड़ो उसे। तो फिर जाओ यहां से। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये जगह साई की है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहां से, बहस मत करो, जाओ यहां से। ये साई, इन लोगों ने द्वारका माई में जबरदस्ती अपना डेरा जमा लिया है। साई, हमने इन्हें जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहे, उल्टा हमें ही यहां से जाने के लिए कह रहे। अंता जी, ये खंडर के अंदर इतनी भीड़ क्यों जमा है? यही रुकिए, कुछ देर में सब पता चलेगा। तो ये है तुम्हारा साईं? तो तुम इस फकीर के लिए अपना काम धंधा छोड़ के यहां हो हल्ला मचा रहे हो?
वाकई तरस आता है तुम लोगों पे। साईं, इसे कहिए यहां से चला जाए। तो अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, लेकिन एक बात बखूबी याद रहे, दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप इस बच्चे को मत मारिए। तो फिर फौरन इन सबको यहां से जाने के लिए बोलो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबको मेरी चिंता है और इसीलिए आप सब यहां आए हैं। इस प्रेम के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, लेकिन इस बच्चे की खातिर आप लोग यहां से चले जाइए। बच्चों, तुम सब भी अपने अपने घर जाओ। जाओ लक्ष्मी। जी, इसकी किस्मत अच्छी है कि कुलकर्णी सरकार शिरडी में नहीं है, वरना यहाँ उसे घुसने नहीं देते। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि शिरडी में उनके अलावा कोई दूसरा आदेश दे। यहाँ से निकलिए अंता जी, कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। चलिए। जा और जाके वहां बैठ जा। लो चांद भाई, शिरडी तो हम पहुंच गए, पर आपके बाबा को शिरडी में आप ढूंढ पाएंगे? आपकी नजर भी इतनी कमजोर हो गई, पहचानेंगे कैसे उन्हें? बाबा को मेरी आंखें नहीं, रूप पहचान लेंगे। यहाँ कोई ना कोई तो बाबा को जरूर जानता होगा। मेरे बाबा हैं ऐसे, ये सब उन्हीं के बारे में बातें करते होंगे। उसका पोशाक देखा, सर से लेके पैर तक सफेद कपड़ा पहना हुआ रहता है। मुझे तो बड़ा अजीब आदमी लगता है। वो अभी भी द्वारका माई में ही रह रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसका अपना घर बार है नहीं। सफेद कपड़े, आगे पीछे कोई नहीं है, घर बार नहीं है, मेरे बाबा भी तो ऐसे ही हैं। ये जरूर मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे होंगे। भाई साहब, अभी आप लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे, क्या वो द्वारका माई में रहते हैं? ये द्वारका माई कहाँ है, कैसे जाना होगा? आपको द्वारका माई नहीं मालूम? जी नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ एक विद्यालय होगा, उसी के सामने है द्वारका माई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सखाराम, अब मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बाबा से करवाता हूँ। चलो। ये दोनों कौन आ गए?
साफ साफ देख नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे बाबा यही हैं? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? यहां क्यों आए हो? बाबा मेरी सहायता कीजिए बाबा, मैं आप ही कहां रहे बाबा। ए, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, जो भी कहना है वहां दूर जाके बात कर। बाबा मैं धूपखेड़ा से आया हूं, मेरा बैल सरजा कहीं खो गया है, तो चांद भाई ने कहा कि आप ही एक हो जो मेरा बैल ढूंढने में मदद कर सकते हो। बेशक, मेरा काम ही है तुम जैसे लोगों की मदद करना। मेरी बात गौर से सुन, ये मेरा टोटका है, यहां से बाहर जैसे ही कदम रखेगा अपने सर के बालों को नोचता जा और उन्हें हवा में फेंकता जा, ऐसा करते करते अपने घर तक जा, फिर देख कैसे तुम्हारा खोया हुआ बैल तुम्हें वापस मिलता है। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा, मेरे बाबा ऐसे तो नहीं है। जा, बड़ा ही वाहियात किस्म का टोटका है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? सरजा के खो जाने और उसके मिल जाने से सखाराम के बालों का क्या ताल्लुक है? ए गुस्ताख, मुझसे सवाल पूछने वाला तू होता कौन है? और अगर मुझ पे भरोसा नहीं था तो यहां क्यों आए? तुम्हारी लापरवाही के कारण से तुम्हारा बैल गुम हुआ है और उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे बालों को नोचना ही तुम्हारी सजा है। तुम्हें तौबा करने और खुद को सजा देने की जरूरत है, उसके बाद ही तुम्हारा खोया हुआ आएगा। चांद भाई, ये है आपके बाबा? सही कह रहे हैं आप सखाराम, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, अब यहां से चले जाने में हमारी भलाई है। फौरन दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो पैर तोड़ के हाथ में रख दूंगा। जान भाई, आपके बाबा ने मदद करना तो दूर डांट के भगा दिया, हमें पहले उन्हें मिठाई देनी चाहिए थी फिर मदद मांगनी चाहिए थी। नहीं नहीं सखाराम, मिठाई तो मेरे बाबा के लिए है, मुझे पूरा यकीन हम जिससे मिलके आ रहे हैं ना वो मेरे बाबा नहीं है। आपको पूरा विश्वास है? हाँ, मेरी नजरें उसको पहचानने में धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरी रूह साफ साफ बता रही थी कि ये वो आदमी नहीं है जिनसे मैं कभी मिला था। मेरे बाबा, उनकी तो शख्सियत ही अलग है, उन्हें देखते ही बड़ा सुकून मिलता है, जो वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है उन्हें सुनते रहो। पता है आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है जब उन्होंने पहली बार पुकारा था मुझे। चांद, सखाराम, आज भी मैं बाबा की आवाज को सुन सकता हूं, उसे महसूस कर सकता हूं। चांद भाई, इस बार मैंने भी सुनी वो आवाज। चांद, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? आप मुझे मिल गए। मुझे पता था बाबा आप मुझे मिल जाओगे। बाबा कैसे हो चांद?
बस अब आपसे मुलाकात हो गई बाबा, अब अच्छा हूं मैं। सखाराम, अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। ये है मेरे बाबा, मैंने तुमसे कहा था ना शिरडी में मिलेंगे। प्रणाम बाबा। अब बाबा ही तुम्हारी मदद करेंगे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। प्रणाम साईं। अल्लाह मालिक। साईं, बड़ा सुकून है बाबा इस नाम में, बड़ी सादगी और अपनापन है। क्या ये आपका नाम है? यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। साईं, लेकिन मैं आपको बाबा बुलाऊंगा। जिस नाम से पुकारने में तुम्हें खुशी मिले, जो आवाज तुम्हारे दिल से आए, बस बस वही तो मेरा नाम है। वैसे बाबा, आप मुझे भूले नहीं, फौरन पहचान लिया इतने लंबे वक्त के बाद भी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ चांद, तुम ही तो मुझे शिरडी लेकर आए थे, पर तुम आज यहां कैसे? बाबा, मैंने उसे सब जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। सरजा पशु नहीं था, हमारे परिवार की तरह था। परिवार क्या होता है ये तुम सरजा से पूछना। तुम गांव छोड़कर चले गए 2 दिन के लिए बिना उसे बताए। जब देर शाम तक तुम घर नहीं लौटे तो उसे चिंता होने लगी, तुम्हारी चिंता। और जैसे कुछ खोज खबर ना मिलने पर तुम उसे ढूंढने निकल गए, वैसे ही वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। बदकिस्मती से वो बेचारा रास्ता भूल गया, जैसे तुम उसे ढूंढ रहे हो वो भी ढूंढ रहा है तुम्हें, याद कर रहा है तुम्हें। सरजा को चिंता है तुम्हारी, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम घर लौट आए हो। बाबा, आपको पूरा विश्वास है कि ऐसा ही घटित हुआ है? सखारा, अब बाबा ने जब कह दिया है तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब तुमसे बेहतर कौन जानता है कि सरजा और तुम्हारे बीच कितना जुड़ाव था? बाबा ने जैसा कहा है तुमने वैसे ही बर्ताव सरजा के साथ किया होगा। सब मेरी ही गलती है, मेरे ही कारण सरजा तकलीफ उठा रहा है। मुझे उसे कहकर जाना चाहिए था। सच में मैंने उसके साथ परिवार के सदस्य जैसा बर्ताव नहीं किया। बाबा, अब मैं उसे कहाँ खोजूं? बाबा, पुकारो उसे। बहुत पुकारा बाबा, बहुत आवाजें दी, मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही। बाबा, मेरे कहने से एक बार फिर से पुकार के देखो। बाबा, आप पुकारिए ना, आपके पुकारने पे तो बिजली दौड़ी चली आई थी। बिजली 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 बिजली। अब आप पुकारेंगे तो सरजा भी दौड़ा चला आएगा। सखाराम के पुकारने से भी सरजा जरूर आएगा, बस आवाज दिल से निकलनी चाहिए। बाबा, मुझे सरजा के गले की घंटी की आवाज सुनाई थी। तुम दोनों में गहरा जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव है। सरजा को बुलाओ, यहां बुलाओ उसे।
सरजा, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वापस आ जाओ सरजा, सरजा। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं सरजा जान पाया। सरजा, माफ कर दे सरजा, अब मैं तुझे कहकर जाऊंगा सरजा। बाबा, मैं और सरजा आपका बहुत आभारी है। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार वालों को सरजा मिल गया ऐसी खुशखबरी सुना सकूं। राम जी भला करे। चले चांद भाई। नहीं नहीं सखाराम, तुम जाओ। मुद्दतों बाद मेरी बाबा से मुलाकात हुई है, मैं थोड़ा वक्त बाबा के साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन चांद भाई, आप अकेले कैसे आ पाएंगे? आपकी नजर भी कमजोर हो गई है, आपको दिखेगा कैसे सब? जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो मुझे क्या फिक्र है। राम जी भला करें। मुझे पूरा यकीन था बाबा, आपसे मिलने के बाद सखाराम खाली हाथ नहीं जाएगा। सरजा और सखाराम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। वाह, तो मिल ही गया तुम्हारा वो खोया हुआ बैल। उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, तुमने यहां आके गलती की और अब माफी मांगने आया है। माफी? नहीं नहीं, मैं यहां कोई माफी वाफी मांगने नहीं आया। और दो तुमने दिया था ना टोटका, वो कोई टोटका नहीं था, वो एक बेहुदा मजाक था। सखाराम कोई पागल नहीं था जो अपने पाल नोच लेता। वो तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पर मेरे बाबा आ गए और उन्होंने हमारी मदद की, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, तुम्हारा नहीं। जो खुद दूसरों की मदद पे अपना गुजारा करता है, वो किसी और की क्या मदद करेगा? आप मेरे बाबा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लगता है तुम्हें मेरे बाबा की शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है। कुदरत और इंसानियत को मिलाने वाली कड़ी है वो। वो कोई आम इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं फरिश्ते। किसी की भी मदद के लिए वो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, मुझे पूरा यकीन है। मेरे बाबा का जैसा इस पूरी शिरडी में तो क्या, पूरे जहान में कोई नहीं है। और एक तुम हो, मेरे बाबा के कर्मों का सहरा अपने सर पे पहनना चाहते हो?
कुएं का मेढक है तू, जो अपने गांव के इर्द गिर्द के लोगों को ही जानता है और कहता है कि मेरा बाबा बड़ा करामाती है। इसे देख, इस दिलावर अली को देख, इससे मिलने और मदद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। फिर तो उन दूर दूर के लोगों को मेरे बाबा के बारे में मालूम नहीं होगा, इसलिए वो तुमसे मिलने आते हैं। हमें पता है किस पे यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं। शुक्र है सखाराम ने तुम्हारे इस वाहिया टोटके पर यकीन नहीं किया, वरना घर पहुंचते पहुंचते तो बेचारे के सर के बाल निकल जाते। अगर तू जानता कि दिलावर अली कौन है तो ऐसा जुबान नहीं चलाता। मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम हो कौन। अल्लाह के फजल से मुझे इतना तजुर्बा तो है कि लोगों को मैं देखते ही पहचान लेता हूं, और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उस पर दावे से कह सकता हूं कि तुम एक चालाक, मक्कार और बदतमीज किस्म के इंसान हो। गुस्ताख! से बचाएगा नहीं बाबा। जान, हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हमें। हालात चाहे कैसे भी हो, हमें लोगों के साथ पूरी विनम्रता से, अदब से पेश आना चाहिए। और अगर कभी अपनी बात रखनी हो तो अपनी हद में रह के पूरे एहतराम के साथ रखनी चाहिए। चांद ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं बाबा, गलती जब मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा मकसद आपकी बेइज्जती करना कतई नहीं था। खुद को इतना अजीम न समझ जो दिलावर अली से माफी मांगने की हैसियत रखता हो। माफी मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया जान। गलती सभी से हो जाती है, अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करो, माफी मांगो और उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन अपनी गलती को कभी भी दोहराओ मत। जब हम गलती को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी हदों का, अपनी कमियों का पता चलता है। दूसरों की गलती स्वीकार करना, उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपने अहम से ऊपर उठते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं हम। कमी वो है जो मानी ना जाए, और माफी मांगकर हम संबंधों को जोड़ते हैं। जब हम गलतियों को नहीं दोहराते, इससे दूसरों को भी हौसला मिलता है अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से ऊपर उठने का। अल्लाह माने।
था। ये चांद पाटिल खुद को समझता क्या है? इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है वो? आप भले ही चुप रह गए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर इसको लगता है कि माफी मांग कर ये बच गया तो ये इसकी भूल है। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेगा तो भूलो, मारपीट के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर कुछ हासिल करना है तो इस चांद पाटिल के भरोसे को तोड़। इस फकीर पे जो इसका यकीन है उसको तोड़। वो कैसे होगा? खौफ से। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भाई, बाबा को मिठाई खिलाना है। सोच रहा हूँ कैसे खिलाऊं। उन्हें खिलाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है यहाँ। हमारे बाबा के पास बर्तन वर्तन नहीं है? फकीर हैं। वैसे सच कहूँ उनके पास ढंग का कुछ है ही नहीं। तुम एक काम करो, बाबा के लिए कुछ बर्तन ला कर रख दो, उनके काम आएंगे। सही कह रहे हो, लेकिन शिरडी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। ऊपर से नजरों से थोड़ा कमजोर हूं, इसलिए अकेला कहीं जा नहीं सकता। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। मुझे पता है कुमार का घर कहाँ है। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? नहीं नहीं, वो तो मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ बर्तन लेने जा रहा था, इसलिए कहा। अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। बाबा ध्यान में बैठे हैं, जब तक उनका ध्यान खत्म होगा तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। चलो भाई। और इस तरह मेरे बाबा के कारण मुझे मेरी खोई हुई घोड़ी बिजली मुझे मिल गई। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बिजली साईं के बुलाने से आई होगी? गुरु, ये हम लोग बातें करते करते कहीं आगे निकल आए, कहाँ आ गए? मुझे भी पता नहीं चला। खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है साईं ने पहले ही तुम्हारी घोड़ी को कहीं छुपा दिया हो और बाद में ऐसा दिखावा किया हो कि वो उसे बुला रहा है? तुम जैसे लोगों की यही कहानियां साईं जैसे भिखारी को लोगों की नजरों में पीर बना देती है। तुम्हारी घोड़ी को ढूंढने का पक्का ढोंग किया है उसने। अगर तुम मेरे बाबा को समझ पाते ना तो इस तरह की बातें नहीं करते। अभी मैं वापस जा रहा हूं। अरे रुको, यही ढोंगियों की यही निशानी है।
जैसे ही तुम उनके भक्तों की भक्ति पर कोई सवाल उठाओ तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे तुम तो बेवकूफ हो। ढोंगियों की सोबत में जिंदगी नहीं बदलती, ना बेहतर होती है और ना ही खुदाई के करीब पहुंचने देती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक से देख तो पाते नहीं हो और कहते हो जिंदगी बेहतर हो गई। देखो गुरु, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दिखाई दे या ना दे, मुझे तो बस पूरा यकीन है कि मेरे बाबा मेरी जिंदगी में है और जब तक वो मेरी जिंदगी में, मेरा कोई बुरा नहीं होने वाला। अरे इतना बड़ा झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुना। ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है कि मुसीबत आने पर वो हिफाजत कर सके। अरे वक्त पड़ने पर तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं आता। आते हैं, मेरे बाबा आते हैं। अच्छा, अच्छा मान लो तुम इस टीले से कूद गए तो क्या तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बाबा आएगा, तुम्हें बचाएगा? जरूर आएंगे। अरे गलत फहमी है, अगर इतना ही भरोसा है ना अपने बाबा पे तो कूद जाओ इस टीले से, जाओ। ठीक है, आज तुम भी देख लो। पागल हो गए हो, मर जाओगे। मुझे अगर मेरे बाबा पर यकीन नहीं है तो क्या फायदा है जिंदगी का। ठीक, तुम जाना चाहते हो जाओ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कूदने से पहले रोकूंगा। गुरु, तुमने मेरे यकीन पर सवाल खड़ा किया है, जवाब तो अब मुझे देना ही होगा, इसलिए अब तुम मुझे लाख रोको लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। बाबा, 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 बाबा। कहीं सच में तो कूदने नहीं जा रहा है? ए रोक, पागल हो गया क्या? गिर जाएगा, मर जाएगा तू। अरे वापस आओ। आज आजमा ही लेते हैं कि मेरा यकीन कितना पक्का है। रुको, अरे वापस आओ। लेकिन तुम तो है मेरे मालिक। बाबा, 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 बाबा। जब जीवन में दुख का बाबा, बाबा, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं।
ये क्या कर रहा था? सब दिखाई दे रहा है बाबा। मेरा भरोसा सही था बाबा, आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा दी बाबा। अब मैं समझ गया बाबा, शिरडी में आना मेरा कोई महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये तो मेरी किस्मत थी, है ना बाबा? उस्ताद, 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 वो कूद गया। कौन कूद गया? वो बेवकूफ इंसान चांद पाटिल। वो इस साई का भक्त, वो उस टीले से कूद गया ये कहते हुए कि मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। कोई शक नहीं कि वो मर गया होगा उस्ताद। एक तो ये फकीर, ऊपर से इसके मुरीद अक्ल के फकीर। उस बेवकूफ के साथ जो भी हुआ बहुत ही मुनासिब हुआ, उसे मरना ही था। कम से कम मरते वक्त उसे इस नकली फकीर की असलियत पता चल गई। तुमने मुझसे झूठ बोला? मैंने अपनी आंखों से इसे कूदते हुए देखा है, पता नहीं ये यहाँ कैसे खड़ा है, ये कैसे बच गया उस्ताद? ये मेरे बाबा का करिश्मा है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यही कहा था ना मैंने, ये फकीर मेरी आंखों के सामने से हिला भी नहीं है। तू कहता है कि तुझे इस फकीर ने बचाया है, बेवकूफ बनाना चाहता है दिलावर का। इसको तो साफ दिखने लगा है।
बाबा, आपने मेरी आंखों को एक नई जिंदगी दी और उससे बड़ी बात आपने मेरी जान बचाई। बाबा, आपने मेरे मेरे ईमान को महफूज रखा, मेरे यकीन को महफूज रखा। बाबा, मेरे यकीन पर कोई कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। बाबा, गया तो था आपको मिठाई खिलाने के लिए बर्तन लेने, मगर अब मैं आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जुड़ शीश झुकाए। देखा उस्ता, ये गिरा था, पता नहीं कैसे बच गया, इसे तो दिखने भी लगा। मैं नहीं जानता हूं कि जो हुआ वो कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि ये फकीर सिर्फ दिखने में फकीर है। इसे किसी भी हिसाब से कम समझना मेरी कमी होगी। पता नहीं अब आपसे मिलना कब नसीब होगा। आज द्वारका माई से इस यकीन के साथ जा रहा हूं बाबा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे पास। यकीन करना बहुत अच्छी बात है चांद, लेकिन यकीन बहुत व्यक्तिगत चीज है, निजी अनुभव है केवल अपने लिए। यकीन कभी भी भक्ति के प्रदर्शन का माध्यम नहीं हो सकता। यकीन के नाम पर खुद के जीवन को खतरे में डाल देना, भगवान, अल्लाह या जिस भी शक्ति में तुम विश्वास करते हो उसका सबूत पेश करना है, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा है तो किसी को विश्वास हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है इससे। तुमने जो किया वो भक्ति नहीं, भक्ति का दिखावा है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मेरे नाम पर जीवन जैसे अमूल्य अवसर को खतरे में डालकर बर्बाद करने वाले मेरे अनुयायी कभी नहीं हो सकते। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसे जिंदा रहना है, जिंदगी को गले लगाना है, लोगों की सेवा करनी है, प्यार बांटना है सब में, लोगों के प्रति दयालु, उदार, सहनशील रहना है उसे। इसके अलावा मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। उसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मैं वादा करता हूं मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे बाबा। राम जी भला करें। प्रणाम साई। राम जी भला करें। बड़ी उम्मीद से मदद की आस लेके आया हूं आपके पास। कहो क्या मदद करूं साई। मैं उमा शंकर लोहार और ये मेरा बेटा प्रकाश, इसके पेट में कुछ दिन से जलन सी है, बहुत बेचैन रहता है,
ना ढंग से खा पी सकता है, ना सो पाता है, रात भर डर से बिलबिलाता रहता है मेरा बेटा। ए लोहार, बेटे को ढंग से खिलाएगा नहीं तो उसकी यही हालत होनी है। जाओ और जाके मांस मच्छी खिलाओ, इसको तंदुरुस्त हो जाएगा। आओ। ये लो बेटा, और इसे एक ही घूंट में पी जाओ। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। अब कैसा लग रहा है? पेट की जलन शांत हो गई है, अभी कोई दर्द नहीं है। ओह, तो करिश्मा भी करता है तू? ए लोहार, लोहा पीटते पीटते तेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया है, रोक। ये ले, इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, फिर सेहत से जुड़े मसले के लिए ऐसे भिखारियों के पास नहीं जाएगा। ले। बहुत बहुत धन्यवाद साईं, अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। कमाल है साईं, कमाल है। आज तक राग का ऐसा इस्तेमाल करते मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी शख्स को नहीं देखा। मैं तो तुझे भिखारी समझ रहा था, और तू तो ए बुरु, जा जाके खाना बना। अरे जबुलानी, जाके तू कपड़े धो। अरे तू, मेरे पर तो आ, चल। ए मुंडो, मसाला जरा बारीक पीस। अरे बोरो, शोरबा एकदम काढ़ा होना चाहिए। जी उस्ताद।
ये सब क्या है साईं? ऐसे कैसे कोई भी तुम्हारी द्वारका माई में आकर रह सकता है? तुम इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? ताहिजा माँ, द्वारका माई तो सबकी है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। हाँ, पर तुम यहाँ पे ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी नहीं बची है। तो तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे, है ना? ठीक है, तो जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ रहोगे साईं। पैजमा, ये नहीं हो सकता, और मुझे इन लोगों से यहाँ पर कोई तकलीफ भी नहीं है। सच कहूं तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है किसी के साथ ठहरने का, उसे जानने का। बहुत कुछ सीखूंगा इन लोगों से। इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रहा था, इंसान ऐसा होता है क्या? एकदम भयानक। और कपड़े कैसे उसके? इनसे? हाँ हाँ भाई जमा, अगर इंसान चाहे तो सबसे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता है। तुम नहीं सुधरोगे साईं। लाख कष्ट हो तुम्हें, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा अभी? बस थोड़ी देर और उस्ताद। मालूम होता है ये मटका नया है। ए फकीर, अब से ये मटका हमारा हुआ। और याद रखना, इसको छूने की गुस्ताखी मत करना। साथ साथ रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करना भी तो जरूरी है। ए, जल्दी कर। बाहर खेलने जाऊं? माँ, आप सोच में क्यों पड़ गई? अध्यापक जी ने भी कहा है कि मुझे बाहर खेलने जाना चाहिए, और पिताजी ने भी अपनी सहमति दी हुई है। पता है मुझे केशव, लेकिन माँ, मैंने जो पिताजी से वादा किया है उसे निभाऊंगा। द्वारका माई नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। केशव, मैं जानती हूं तुम वादा नहीं तोड़ोगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हें साईं की फिक्र है। तुम साईं से बहुत प्यार करते हो। मैं तो ये सोच रही थी केशव कि तुम खुद को साईं से दूर कैसे रख पाओगे। माँ, आप यहाँ बैठिए। अगर संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए, तो उस समय मैं ये याद करूंगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात
मुझे शक्ति देगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा माँ जिससे आपको दुख पहुंचे, आपके मान सम्मान पर आंच आए। केशव, खाना तैयार है उस्ताद? तो देख क्या रहा है, परोस। आप लोग कुछ लेंगे? भीख में मिला हुआ खाना है, तू खा, मैं भीख नहीं लेता। राम जी भला करे। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना है साई के पास। मुझे माफ कर देना चिपरी, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन मैंने वैसा इसलिए किया क्योंकि इसी के बारे में फैसला लेने से पहले उसके साथ हमने जो अच्छे पल बिताए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने हमारे साथ जो भी अच्छा किया है उसे याद करना चाहिए। मैं जानती हूँ केशव, तुमने ऐसा बर्ताव कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी। अरे जिपरी, तुम तो बिल्कुल साई की तरह बोल रही हो। उस दिन साई ने ऐसे ही कहा था। उन्होंने मेरा पक्ष लिया है, वो भी तब जब मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। वो साई है, सबका दुख दर्द समझता है मेरा साई। चलो खेलते हैं। हाँ चलो चलो खेलते हैं। अब आराम करने का वक्त हो गया है मेरा, कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं जरा गांव घूम कर आऊं।
फिर मार खाएगा। मजा आ रहा है खुले में आकर, यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। उस्ताद और बाकी लोगों के साथ रहकर मुझे थोड़ी घुटन सी होती थी। गांव में मेरे दोस्तों के साथ ऐसे ही खेला करता था। ये तो उसी शैतान का चेला है ना? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? तुम्हारे उस्ताद ने मेरी पिटाई करने की कोशिश की, तुम्हारे साथी ने मुझे डराया, और तो और तुम लोगों ने मेरे साईं की द्वारका मई में डेरा जमा लिया, और अब हमसे दोस्ती करना चाहते हो? कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, चले जाओ यहां से। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। मैं कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध
पर संयोग से भी मैंने उन्हें देख लिया या अचानक से वो मेरे सामने आ गए, तो उस समय मैं ये याद करूंगा कि पिताजी ने आपको कैसे इस वाड़ा से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यही बात मुझे शक्ति देगी। जिफरी, माफ कर दो मुझे। उस दिन मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी इसलिए की क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया था कि मैं कभी भी द्वारका मई नहीं जाऊंगा। मैंने मजबूर होकर पिताजी को वचन दिया है, नहीं तो वो आई को घर से निकाल देते। इसलिए मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी माँ के लिए मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। केशव, तुम मुझे नहीं भी पुकारोगे तो भी मैं तुम्हें हर संकट से बचाने आऊंगा। मत रो केशव, साई सब ठीक कर देंगे। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सोचते होंगे वो, लेकिन अपनी माँ के खातिर पिताजी को दिया हुआ वचन मैं नहीं। तो क्या अब तुम साई का नाम कभी नहीं लोगे, ना ही उसे देखोगे और ना ही उससे बात करोगे? मुझे कुछ नहीं पता जिपरी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं केवल ये जानता हूँ कि मेरी वजह से माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। साई कहता है ना कि दुख में भी सुख के बीज होते हैं, और मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही द्वारका में जाओगे, साई से मिलोगे और बात भी करोगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे वाह, तुम पर तो नई मंजरी आ गई है। तुम्हें ही गाय ने चोट मार दी थी ना पैर रखकर, अब तो तुम भी ठीक लग रहे हो। अरे मुन्नु, वहां क्यों खड़े हो, यहां आओ। आप पौधों से बातें कर रहे थे। तुम्हारी तरह और लोगों को भी हैरत होती है जब मैं इन पौधों से बात करता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि क्योंकि इन पौधों में भी हमारी तरह ही जान होती है। जैसे जब कोई हमें प्यार करता है, हमसे बातें करता है, हमें खुशी होती है, वैसे ही जब कोई इन पौधों से प्यार से बात करता है तो इन्हें भी अच्छा लगता है। दिखने में तो आप फकीर लगते हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों की परेशानियां और उनकी बीमारियां ठीक करते हैं, और अब मैं आपको इन पौधों की देखभाल करते देख रहा हूँ। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो भी आपका लोगों से ऐसा दोस्ताना कैसे है साई? आपका स्वभाव उस्ताद के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा है। वो हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं और मारते पीटते रहते हैं। मैं तो उनसे सहमा हुआ और डरा हुआ रहता हूँ। अगर अपने उस्ताद से डरते रहोगे तो उनसे कुछ भी सीख कैसे पाओगे? कुछ भी सीखने के लिए अपने उस्ताद के प्रति मन में मोहब्बत होनी चाहिए
इज्जत होनी चाहिए, ना कि खौफ। लेकिन उस्ताद से मैं बेखौफ कैसे रह सकता हूँ साईं? वो कितने खौफनाक और डरावने हैं। आपको मालूम नहीं है साईं कि वो जब गुस्सा होते हैं ना तो क्या कर गुजरते हैं। साईं, साईं, क्या कर रहा तू? साईं कहाँ है? नहीं है जहाँ से। माफ करना मुझे। किसने मेरी नींद खराब की? माफ करना भाई, मुझे साईं से मिलने की बहुत जल्दी थी। इसी हड़बड़ाहट में मेरे पैर से ये ठोकर लग गई। इधर आ, इधर आ, जाओ ना। हथेली दिखा अपनी। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हथेली दिखा। दूर रख। कारोबारी है तू? हाँ। कपड़ों का कारोबार है तेरा? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं राख देखकर लोगों की मुसीबतें दूर नहीं करता, बल्कि मेरी ये कोशिश रहती है कि लोगों पे मुसीबत आए ही ना। जो मेरे पास है वो मुसीबत से दूर है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जिस मसले को लेके तू साईं के पास आया है, वो मसला अगर नहीं भी सुलझा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फौरन अपने दुकान पे जा, किसी भी वक्त तुम पे दौलत की बारिश हो सकती है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे? फौरन जा। मालूम नहीं है कि दिलावर अली किस खेत की मूली है। अगर मैंने लोगों को सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया तो तेरी दुकान बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ही शिरडी में कोई भी तुझे पूछने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा
भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा। देखा तुमने, शांत मन और शांत दिमाग से तुमने सब कुछ कितनी जल्दी सीख लिया। अब तुम किसी भी पौधे को देखते ही समझ जाओगे कि इसे किस चीज की जरूरत है। क्या मालूम नहीं कि बंदूक आ गया तुझे? नहीं पता बंदूक आ गई। उस्ताद, उस्ताद छोड़ दीजिए जब्बू को, मुन्नू यहीं कहीं टहलने गया होगा। उस्ताद मेरे इजाजत के बगैर इस लड़के के पर निकल आए हैं, पर कदर नहीं होंगे, आने दो उसे। आज मैं उसे तहजीब सिखाऊंगा और कायदा कानून सिखाऊंगा। हो सकता है कोई मेरे लिए गुप्त धन छोड़ गया हो। अरे कृष्णा। जी सर जी। कोई मेरे लिए कुछ देकर गया है क्या? कोई पोटली या कोई मटका? नहीं सर जी। मैं ही मूर्ख हूं जो उसकी बातों में आ गया। अब मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि वो बेकार आदमी है। मैं जिस काम के लिए साईं के पास गया था वो काम तो हुआ ही नहीं। अब तो समझदारी इसी में है कि मैं वापस जाकर साईं से मिलूं। अब तो वो आ भी गए होंगे। कुशल चंद मारवाड़ी की दुकान यही है क्या? मुझे कुछ काम था उनसे। जी मैं ही हूँ कुशल चंद। जी मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारखाना है, मुझे अपने मजदूरों के लिए वर्दियाँ सिलवानी है। जी बन जाएंगी, आपको कितनी वर्दी बनवानी है? यही कुछ 200 वर्दियाँ। 200? क्या आप बना पाएंगे? हाँ बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। अभी मैं ये शुरुआती दौर का काम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत जल्द मैं और भी भर्तियां करने वाला हूँ। अगर आपने समय पे और तसल्ली बख्श काम करके दे दिया मुझको तो मैं और काम दूंगा आपको। बेफिक्र रहिए, समय और गुणवत्ता के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। ये लीजिए, ये पेशगी है, और जब आप पूरा काम करके दे देंगे तब बाकी की शेष राशि भी दे दूंगा। नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते। दिलावर अली की भविष्यवाणी सच हुई, वो तो सिद्ध पुरुष हैं, हस्तरेखा विद्या को जानने वाले। कहाँ था तू? उस्ताद वो मैं ये बकरी की तरह मिमियाना बन कर जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। मेरे इजाजत के बगैर कहीं जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई उस्ताद। गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पे इतनी नरमी बरती, वरना तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। माफी उस्ताद। माफ बुज़दिल करते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। उस्ताद, गीली मिट्टी में खेल रहा था तू, मैं यहाँ खेलने कूदने के लिए लाया हूँ तुझे। वो खेल नहीं रहा था,
पौधों की देखभाल करने में मदद कर रहा था मेरी। दूसरों का हुक्म मानना कब से शुरू कर दिया तूने? मैं हूं तेरा मुर्शिद। उस्ताद, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। और तू फकीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शागिर्द से काम करवाने की? आइंदा से ध्यान रहे, मैं और मेरे शागिर्द तो दूर। अगर तुमने मेरे किसी चीज को भी हाथ लगाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसी आपकी मर्जी। ये दिलावर अली तो साईं से कहीं अधिक पहुंचा हुआ और सामर्थ्यवान फकीर है, तभी साईं भी उसकी बात मान रहे हैं। दिलावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्यवाणी सच हुई, छप्पर फाड़ के धन मिला है मुझे। बहुत बड़ा काम मिला है, इतना बड़ा कि उसे पूरा करना ही एक चुनौती है। अब मेरा व्यवसाय भी आपकी बदौलत चमक जाएगा, और ये सब सिर्फ आपकी कृपा से ही हुआ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुने की? मैं तो केवल आपके द्वारा तूने मुझे छूने की कोशिश की तो तेरा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। ध्यान! मैं तो दिलावर जी के लिए भेंट लेकर आया था, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हुई। फिर वो गुस्सा क्यों करने लगे? मैं तो केवल उनके चरण छू रहा था। मेरे उस्ताद कोई मामूली इंसान नहीं है जो आम लोगों की तरह बर्ताव करेंगे। खुदा के भेजे हुए खास बंदे हैं। ऐसे लोगों का अपना कुछ खास अंदाज होता है, खास रवैया होता है, जो तुम्हारे और मेरे जैसे आम इंसानों के समझ में नहीं आएगा। सही कहा तुमने, तुम्हारे उस्ताद बहुत पहुंचे हुए इंसान है। बेशक, क्योंकि हमारे साईं तो हम जैसे लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। अगर तुम सच में मेरी उस्ताद की मदद के लिए शुक्रगुजार हो तो लोगों को बताओ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि शिरडी में कितनी बड़ी हस्ती रह रही है। यहाँ के लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि अपनी मदद के लिए वो मेरे उस्ताद के पास आ सकते हैं। तुम्हारी तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं आज ही पूरे शिरडी में इनके बारे में बताऊंगा। जाओ। और कितना वक्त लगेगा बे? सब तैयार है उस्ताद।
ए फकीर, जाके मेरे शागिर्दों में शामिल हो जा और खबरदार, जो मुड़ के देखा तो। आपने शाम को मुझे बचा लिया साई, आपका बहुत शुक्रिया। उस्ताद को कोई छुए या उनको कपड़े बदलते हुए देखे ही उनकी बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए वो रोज रात को ऐसे कपड़ों के घेर में नहाते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे उस्ताद ऐसा क्यों करते हैं? कपड़े दे। चलो अब सबक के लिए तैयार हो जाओ। ए फकीर, मेरी बात गौर से सुन, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना जानता है तू। थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेगा तो राख देकर लोगों को ठीक करने का ढोंग नहीं करना पड़ेगा तुझे। जी बिल्कुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے وہ رحیم ہے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم یہ تعریف اللہ کے لیے ہے जो तमाम कायनात का रब है, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, वो रोजे सजा का मालिक है। ए मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और मेरे मालिक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, वो रोजे सजा का मालिक है। ए मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और मेरे मालिक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐसी खीरत मैंने आज तक नहीं सुनी। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहां मौजूद हूं। वो इसलिए क्योंकि ना ही मेरे जैसा तजुर्बा किसी के पास है
और ना ही मेरे जैसी काबिलियत किसी के पास है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और अब तो पूरी तरह साफ हो गया है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप द्वारका माई में ठहरे। हैरत है, क्या ये वो साईं है जिसे पूरी शिरडी मानती है? हाँ, ये तो बड़ी आसानी से मेरी मुट्ठी में आ रहा है। जो कहता हूं सर झुका के मान लेता है, खिलाफ जाता ही नहीं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तुम इन लोगों के साथ यहाँ कैसे रह सकते हो? मैं अभी तुमसे कहती हूँ, तुम घर चलो, हमारे साथ रहो। हाँ सही। भाईजा माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो। और मैंने कहा ना, अगर मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। दिलावर जैसे ज्ञानी इंसान से कुछ सीखने का मौका मिला है मुझे, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तुम सच कह रहे हो? हाँ पायसा माँ, इन आयतों को सुनना सौभाग्य है। मैं यही ठीक हूं। लो भाई, मुंह मीठा करो, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई मुंह मीठा करो, तुम भी लो भाई। अरे लो भाई, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे भाई किस खुशी में? अरे भाई मुझे मेरे व्यापार में जबरदस्त फायदा हुआ है। वाह, आखिर भगवान ने तुम पर कृपा कर ही दी। भगवान ने नहीं, दिलावर जी की कृपा है मेरे ऊपर। दिलावर? कहीं ये वो दिलावर तो नहीं जो कल बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था? हाँ वही। अरे शुरुआत में तो मैं भी गलत समझ बैठा था, लेकिन वो तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। फौरन अपने दुकान पे जा, किसी भी वक्त तुम पे दौलत की बारिश हो सकती है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारखाना है, मुझे अपने मजदूरों के लिए वर्दियां सिलवानी है। जी बन जाएंगी। ये लीजिए, ये पेशगी है, और जब आप पूरा काम करके दे देंगे तब बाकी की शेष राशि भी दे दूंगा। तभी तो साई भी उनकी बात सुनते हैं। सच कह रहा हूं, दिलावर जी ने भविष्यवाणी की और मुझे बहुत बड़ा काम मिला। जानते हो मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा था, मैंने तो दुकान पर जाना ही कम कर दिया था, सब कुछ बेचने के लिए सोच रखा था, लेकिन दिलावर जी ने एक नजर मेरी हथेली पर डाली और भविष्यवाणी कर दी कि तू जल्दी से दुकान पर जा, तेरे ऊपर दौलत की बारिश होने वाली है, तेरा अच्छा समय आने वाला है। और जैसे मैं दुकान पर भाग के गया, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला, बहुत बड़े मुनाफे वाला काम मिला। मुनाफा? भरोसा करो, अगर दिलावर जी ने मुझे कहा नहीं होता तो मैं दुकान पे जाता ही नहीं, और हो सकता था वो ग्राहक किसी और दुकान पे चला जाता। अगर तुम लोग अपना भविष्य जानते हो तो हर काम सही समय पे और सही तरीके से कर सकते हो। ये सही कह रहा है, हमें भी अपनी किस्मत बदलने के लिए एक बार दिलावर के पास जाना चाहिए। साई हाथ देकर भाग्य तो नहीं बताते,
और एक बार जाने में क्या हर्ज है? वो कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है हमसे? चलो चल के देखते। हाँ, चलो 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 चलो, हम लोग भी चलकर देखते हैं द्वारका माई। हाँ भाइयों, हाँ, चलो चलो। ए, सब लोग आराम से खड़े रहो, सबको मौका मिलेगा मेरे उस्ताद से मिलने का। और हाँ, कोई भी उस्ताद को छुएगा नहीं। हमारे उस्ताद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें छुए। दूरी बनाए रखना। चलो। प्रणाम प्रणाम साईं। सब लोग साईं पे बहुत भरोसा करते हैं। रुको, वहीं रुको। बोल। जी, मेरा नाम? मुझे तुम्हारे नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। तू अपनी हथेली दिखा बस। और तू खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? अपना। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं जो केवल एक बार में एक ही आदमी की मदद कर पाऊं। अपनी परेशानी बता। शादी को 5 साल हो गए लेकिन अब तक कोई संतान नहीं। दूध में चुहारा डाल के पी, 6 महीने बाद तू बाप बन जाएगा। ये किस तरह का अजीबोगरीब टोटका है? क्या तुम्हें यकीन है ये काम करता है? अगर ये धोखेबाज होता तो हमसे पैसे अटका, मगर ये तो मुफ्त में बता रहा है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इन्हें पैसों की लालच नहीं है तो फिर इनका गुजारा कैसे चलता होगा? वो भी 3 चेलों के साथ। और उनका पहनावा देखो, रहन सहन देखो, देखने से ही पता चलता है कि सब महंगा है। मुझे बताया है 11 पूर्णमासी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन, तू भी वहां चली जा, एक बार जाके मिल ले। क्या आपका तेरे भविष्य के बारे में भी कुछ बता दे? अपना भविष्य जानती हूँ मैं, मेरा भविष्य मेरी बेटी से जुड़ा है। बस मुझे अब कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं उसका भविष्य संवार सकूं। जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो। बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानना चाहती हूँ मैं। ए, ये क्या पंचायत लगा रखी है यहाँ? दादा यहाँ नहीं है तो सब लोग काम चोर बन गए हैं ना? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरे यहाँ होते हुए ये सब नहीं चलेगा। हाँ, और ये क्या चल रहा है? दो लोग मिलकर एक काम क्यों कर रहे हैं? उठो, जाओ बाहर जाके साफ सफाई करो। जाओ जी, जाओ। काम चोर। सुनो जी। जुदाई, ये किसके बारे में बात कर रही थी तुम दोनों? कौन है जो भविष्य बताता है सबका? क्या बकवास कर रही थी तुम? उसका नाम दिलावर अली है, द्वारका माई में रहता है, उसे सब मालूम है और भविष्य बताने का कोई पैसा भी नहीं लेता। ठीक है काम करो। द्वारका माई में उस खंडर में तो वो ढोंगी साई रहता है, ये दूसरा कब आ गया? और ये भी मुफ्त में लोगों की मदद कर रहा है। दादा यहां नहीं है और अंता पंता ने अब तक ये खबर नहीं दी। सब काम चोर बन गए हैं। उन्हें गांव की खबर देने के लिए कहा था दादा ने, अगर ऐसा ही चलता रहा तो
तो ये गांव दादा के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मेरी शादी कब होगी? 1 साल बाद। अगर उससे पहले चाहते हो तो एक टोटका करना पड़ेगा तुझे। सूरज उगने से पहले रोज जागना होगा तुझे, लेकिन आंखें बंद ही रखनी होंगी। बंद आंखों से गुलाब का फूल लेकर तुम्हें पूरब के जानिब खड़े होकर तब तक दुआ मांगनी होगी जब तक सूरज निकल नहीं आता। अगर ऐसा लगातार करते रहे तो 1 साल के अंदर ही तुम्हारी शादी गुलाब के फूल जैसे सुंदर लड़की से हो जाएगी। चलता हूं साईं। अच्छा सुनो, जब सुबह सुबह घर से बाहर जाना तो तुम्हारी आंखें तो बंद होंगी। अपने साथ किसी को लेकर जाना, वरना चोट लग सकती है तुम्हें। आपने सही कहा साई, मैं आपके बातों का ध्यान रखूंगा। राम जी भला करें। साईं साईं साईं, जो भी मुझसे मिलने आता है वो आते हुए पहले साईं से मिलता है और जाते हुए भी। क्यों उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे पैसे वाले कामों की जरूरत है। मुझ पर मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है। तेरा मुस्तकबिल शानदार है, लेकिन तू यहाँ रह के अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बंबई या पुणे जैसे बड़े शहर में जा, जैसा तू चाहता है वैसा ही काम मिलेगा तुझे। हरिओम पंता जी, हम तो सरकार के सेवक हैं। इससे पहले सरकार हमें सजा देते थे, चियूताई हमारी कब से मालकिन बन गई। और कर भी क्या सकते हैं अंता जी, गलती तो हमारी ही है। चियूताई ने हमें केवल मुर्गा बनाया है। अगर इन्होंने सरकार को बताया तो सरकार हमें मुर्गी की तरह अंडा देने के लिए कहेंगे। ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर क्या गुटरगू कर रहे हो? तो क्या मुंह में दही जमा रखा है जो बोल नहीं पा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है दादा यहाँ नहीं है तो तुम दोनों खुले सांड की तरह मटर गश्ती करोगे? एक बात तुम दोनों मत भूलना कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। शिरडी में कहा क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर तुम दोनों मुझे दोगे, और जब तक तुम दोनों मुझे पूरी खबर नहीं दोगे तब तक तुम दोनों ऐसे ही रहोगे, इसी हाल में मुर्गा बने। मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो मर आई, लेकिन अपनी तरह मेरा वक्त बर्बाद मत कर। रिश्ते नाते के जंजाल में उलझा रहा तो जिंदगी कभी भी सुलझ नहीं पाएगी तेरी। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, परिवार की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। किस्मत तुझे देना चाहती है और तू है कि इनकार कर रहा है। साईं, सुना आपने? मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं? काम क्या करते हो तुम? मैं ग्वाला हूं साई, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। मैं कुछ बनना चाहता हूं, पर साई मैं उसके लिए अपने परिवार को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर किसी बड़े शहर जा रहे हो तो पहले अकेले ही चले जाओ। जब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाना तो अपने परिवार को भी ले जाना। क्या बकवास मशवरा दे रहा है तू फकीर?
अगर ये शख्स अपने परिवार के साथ शहर में रहेगा तो अपना कीमती वक्त उनके साथ बिताएगा, परिवार की चिंता में खतरा उठाने से हिचकिचाएगा, डरेगा। वो जो करना चाहता है खुले दिल से कभी भी नहीं कर पाएगा। जब कई तरह की पाबंदियां हों, पर कतर दिए गए हों, तो कोई भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी ही बरकत। अपने परिवार से दूर जाने का मतलब उन्हें भुला देना नहीं होता है, अपने परिवार को हमेशा अपने दिल में रखो। अगर उनके कल्याण के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करोगे तो उन्हें अपने पास बुलाने का मार्ग भी बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। सत्य कहा साईं आपने, बिल्कुल सत्य कहा। अल्लाह मालिक, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इस जाहिल को, उसने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मैं सबकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन किसी को मुझसे जलन हो रही है और वो मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर किसी को ये सब नागवार लगता है तो नहीं करनी मुझे किसी की मदद। और तू फकीर, मेरी बात को कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले। मैंने तुझे यहां रहने दिया इसका यह मतलब नहीं है कि तू मेरे मामले में दखल दे। अगर दोबारा ऐसा किया तो यहां से धक्के मार के बाहर करूंगा। साई, जल्दी से बाहर आओ ना, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए। तेरी यही औकात है, जा जाके खेल बच्चों के साथ। ये बच्चे शिरडी का भविष्य हैं, कभी इनके साथ वक्त बिता कर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो ऐसी कोई खास खबर है ही नहीं चूताई।
खास खबर नहीं है तो फिर उस खंडर में उस साई के साथ एक और फकीर रह रहा है, लोगों की मुफ्त में मदद कर रहा है और दरबार लगा रखा है उसने, ये खास खबर नहीं है? अंता जी, इन्हें बता भी देते तो ये क्या कर रही थी उसका? हाँ पंता जी, अगर सरकार ने हमें कहा होता कि चूताई को बताना है तो हम इन्हें बता देते। अगर दादा ने नहीं भी कहा था तो भी शिरडी की एक एक खबर मुझे देना तुम लोगों का कर्तव्य था। मारे मन की बात भी कोई सुन सकता है पंता जी? कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, दादा की गैर हाजिरी में तुम्हारी मालकिन मैं हूं। शिरडी में कहा कब और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, पल पल की खबर तुम दोनों मुझे दोगे। और क्योंकि तुम्हारी कर्तव्य पूर्ति में तुम दोनों ने लापरवाही की है, अगले एक घंटे तक तुम दोनों जहां भी जाओगे ऐसे ही जाओगे मुर्गा बने। तुम लोग वहां द्वारका माई में अंदर क्यों नहीं आए? कैसे आते? वहां पर सफेद भूत जो था। नहीं लक्ष्मी, किसी का भी मजाक नहीं बनाते, बुरी बात है। मुझे माफ कर देना सही, लेकिन हम उसे भूत नहीं तो क्या कहे? वो भूत की तरह सर से लेके पैर तक सफेद कपड़े पहने रहता है और हम बच्चों को मारने की धमकी देकर डराता है वो। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे सीधे और दयालु होने का गलत फायदा उठाया उसने। तुम्हारी ही द्वारका माई में तुम्हें एक कोने में रहने के लिए मजबूर कर दिया है उसने। इसीलिए तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए तो वो सफेद भूत ही है और मैं उसे इसी नाम से बुलाऊंगी। जब से वो लोग द्वारका में आए हैं हमें वहां आने में बहुत डर लगता है, इसीलिए हमसे मिलने के लिए आज से तुम यही आया करना साई, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। द्वारका माई तो अभी भी सभी की है, तुम लोगों को वहां आने में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जब चाहे वहां आ सकते हो। नहीं साई, जब वो सफेद भूत वहां से चला जाएगा तभी ही हम अपनी द्वारका माई के अंदर आएंगे। हाँ साई। उस्ताद, ये बकरी ना जाने कहां से आ गई और शोर मचा रही है, हम बस इसे भगाने ही वाले थे कि इतने में आपकी आंख खुल गई। अरे बेअक्ल, इतनी इतनी अच्छी हट्टी कट्टी बकरी खुद चल के आई है हलालों ने, और तू उसे भगा रहा है? देख क्या रहा है, पकड़ उसे। आज मैं गोश्त खाऊंगा। ए बोरू, चल पानी गरम कर, इसके लिए मैं मसाला खुद बनाऊंगा, चल। पकड़ लेंगे उस्ताद, हम जरूर पकड़ लेंगे। तुम
तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी कुछ मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं होता है तो मैं क्या हाल करता हूं तुम्हें पता है। भिक्षा दे माई। मैं तो पागल हूं ना आई, जो इसके लिए खाना बना के रखती हूँ। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो बस भिक्षा मांग कर ही खाना चाहता है। भाईसमा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी? ठीक है, भिक्षा में एक आलू और थोड़े से चावल मिले हैं, इसी से द्वारका माई में कुछ बना लूंगा। ज्यादा ना सही पर थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा सबके लिए। सबके लिए? हाँ भाई जमा, तुम तो जानती हो कि मेरी मिल बांट के खाने की आदत है। द्वारका माई में रोज नए मेहमान आते रहते हैं और आजकल तो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, उन्हें कैसे भूल सकता हूं मैं। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। सारे संसार की चिंता है तुम्हें, बस अपना ध्यान नहीं रहता। ऊपर से किसी की बात भी नहीं सुनोगे तुम। शाबाश, आखिरकार तूने इसे पकड़ ही लिया। अब हम पिटाई से बच जाएंगे। अब जल्दी चल, उस्ताद तेज धार के साथ इसका इंतजार कर रहे होंगे। चल। बकरी कहाँ है मुन्नू? अरे ये क्या किया तूने? इतनी मुश्किल से पकड़ी थी, तू जानता है ना कि अगर खाली हाथ गए तो उस्ताद हमारा क्या हश्र करेंगे। बस बहुत हुआ, तुम्हारी गलती के लिए इस बार मैं मार नहीं खाऊंगा। मैं उस्ताद से साफ साफ कह दूंगा कि उस्ताद इसने हाथ आई बकरी को छोड़ दिया। अम्मी, मैं उस्ताद, उस्ताद नहीं, मैं उस्ताद, उस्ताद, हाँ, मैं उस्ताद, उस्ताद नहीं, उस्ताद छोड़ दीजिए उसे, उसने जानबूझ के गलती नहीं की है, उसके हिस्से की मार मैं खा लूँगा।
तरस आ रहा है तुझे इस मुन्नू पे? हाँ? सुन, कितनी पिटाई में इसकी करने वाला था, इससे दुगनी पिटाई अब तुम्हारी करूंगा, क्योंकि दिलावर को रोकने की कीमत चुकानी होगी तुझे। उस्ताद, कहो क्यों मिलना चाहते हो तुम? मेरा काम कब तक होगा? क्या यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? इतने छोटे से काम के लिए तुम जैसे आदमी को इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था। हर काम का अपना तय वक्त होता है रत्नाकर सेठ। इसके लिए तुम्हें इंतजार और भरोसा दोनों करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और मैं जब जब बोलू, जो जो बोलूं, करता जा, और फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और हां, मेरे मामले में दखल देना और सवाल पूछना बंद कर दो तुम, क्योंकि आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो दिलावर अली न कर पाए। इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक मैं तुम्हें औरंगाबाद के निजाम के यहां काजी मुकर्रर करवा दूंगा। और हां, मेरे पहले के दिए हुए पैसे शायद खत्म होने वाले होंगे या कम पड़ रहे होंगे, तो शांत मन और शांत दिमाग से तुमने सब कुछ कितनी जल्दी सीख लिया। साईं, सब कहते हैं कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। तुम अपनी कहो, क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? साई, पेशे से मैं मजदूर हूं,
मुझे पता है कि मेरा काम बहुत मेहनत वाला है। मैं मेहनत करने से नहीं भागता साईं, लेकिन मेरा मालिक बहुत सख्त है, समझिए क्रूर इंसान है वो। वो दिन भर मुझसे काम करवाता है और रात को आराम भी नहीं करने देता। छोटी से छोटी गलती में मुझे गाली देता है। मैं भूखा प्यासा काम करते रहता हूं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं तो वो मेरी मजदूरी काट लेता है साई। मैं इतना थक गया हूं साई कि मुझसे अब काम ही नहीं होता। मेरा इलाज करिए साई, मुझे ताकत चाहिए कि मैं और काम कर सकूं। मैं और काम कर सकूं साई। तुम पहले ही जरूरत से ज्यादा काम कर चुके हो। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ ज्यादा दिन नहीं देगा। तो आप ही बताइए साईं, मैं क्या करूं? इस इलाके में स्थाई काम मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकता। साईं, मेरे मालिक को मेरी कदर नहीं है। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ जैसे गरीब बेबस मजदूर की फिक्र कौन करे साईं? जब खुद तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो किसी और को तुम्हारी फिक्र क्या होगी? और जो तुम कर रहे हो वो काम नहीं है, अन्याय है, अत्याचार है तुम्हारे ऊपर, जो कि किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना शोषण बर्दाश्त कर रहे हो। तुमने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद अपना सम्मान करोगे। और जिस माहौल में इज्जत ना मिले वहां से चले जाना ही बेहतर है। अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बांध कर नहीं रखा है, बल्कि तुम खुद ही यहां से नहीं जाना चाहते। सच तो यह है कि तुम खुद को वहां सुरक्षित महसूस करते हो, इसलिए अपमान हो जाने पर भी वहीं बने रहना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम डरते हो। तुम्हें डर है कि अगर तुमने यह काम छोड़ दिया तो तुम्हें दूसरा काम मिलेगा या नहीं, कुछ कमा भी पाओगे या नहीं। ये तुम्हारे मालिक की कमी नहीं है, बल्कि खुद तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता तो तुम ऐसा कभी नहीं सोचते। सच तो ये है मित्र कि जो इंसान मेहनत करना जानता है उसके लिए दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान अपनी मौजूदा सुरक्षित परिस्थितियों से बाहर निकलकर असुरक्षित नई परिस्थितियों का सामना करने का साहस करता है या नहीं। घर जाओ, आराम करो, अपने शरीर की गर्म पानी से सिकाई करो और जब पूरी तरह ठीक हो जाओ तभी काम पर जाना।
और अगर तुम्हारा मालिक इस बात को ना माने तो छोड़ देना ऐसे काम को, ऐसे मालिक को। तलाश करना ऐसा मालिक जो उदार हो, दयालु हो, जो कद्र करे तुम्हारी और तुम्हारे काम की। लेकिन क्या ऐसा मालिक मिलेगा मुझे? क्यों नहीं मिलेगा, एक बार प्रयास तो करो। तुम्हारे अंदर काम करने की शक्ति की कोई कमी नहीं है। अपने जीवन को बदलने के लिए मनोबल चाहिए। सुरक्षित माहौल से निकलकर असुरक्षित माहौल में जाकर एक नई शुरुआत करने के लिए साहस चाहिए। पर वो साहस मैं तुम्हें नहीं दे सकता दोस्त, वो तुम्हें खुद अपने अंदर ढूंढना होगा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए। राम जी भला करें। श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू, श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। जब खुद तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो किसी और को तुम्हारी फिक्र क्या होगी? और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना शोषण बर्दाश्त कर रहे हो। तुमने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद अपना सम्मान करोगे, और जिस माहौल में इज्जत ना मिले वहां से चले जाना ही बेहतर है। ऐसा मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं होने दे रहा हूं। मेरे माँ बाप मुझे पाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे उस्ताद को दे दिया। तब से मुझे एक ही चीज लगती थी कि हो सकता है मेरा कुछ भला होने वाला है। साई सही कह रहे थे, उस्ताद से मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो मैं तो उस्ताद के डर से कांपते ही रह जाता हूँ। यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है। Thank you.
शुक्रिया साई। सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।